तो सीविड आपके दिल को टच करेगा दोस्तों। दोस्तों एक बार एक लड़का अपनी साइकिल की दुकान पे जा रहा होता है, तभी वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है। अरे छोटू भाई साहब। हाँ मालिक। हमारी दुकान पे एक कस्टमर आया है, क्या आप उसे अपने मुंह लगाएंगे? जी मालिक, मैं अभी जाके उसको अपने मुंह लगाता हूँ। जी भाई साहब, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरा बहुत मन है कि मैं उसकी चौड़ी चूतड़ के लिए एक चौड़ी सीट वाली साइकिल गिफ्ट करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अबे ओला पुला कड़बा गया, आइंदा से इस दुकान पे बिना पैसे के आया तो तेरे रवीना पे लठ मार के तेरा टंडन तोड़ दूंगा, चल निकल यहां से। अरे ये गठीले गेंडे जैसे दिखने वाले भाई साहब के साथ तो छोटू ने बहुत बदतमीजी से बात की, मुझे उन्हें रोकना चाहिए। भाई साहब, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, पर आपको अपने बेटे को साइकिल गिफ्ट करने का बहुत मन करता है ना? जी भाई साहब। इसलिए ये लीजिए मेडिटेशन की किताब, इसे पढ़ के जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, आगे से आप कभी जीवन में परेशान हो तो हमेशा अपने आप से एक सवाल करना कि बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेगी। दोस्तों छोटे से सीख मिलती है कि मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी या पैसे वालों की, पिंकी जैसी किस्मत मेरी भी होती।